Hello dear students, in this video we'll do cat sketch of Ossible. This is of class 10th from the chapter The Midnight Visitor. So we'll begin like this students. Ossible is one of the most important character of the chapter The Midnight Visitor. He was a secret agent expecting to get a important report. Ossible एक बहुत ही important character है जो chapter Midnight Visitor है उसका. वो एक सीक्रेट एजेंट था और वो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट उसको मिलने वाली थी. अब हम लिखते हैं उसके बारे में. फर्स्ट है उसका फिज़िकल अपीयरेंस, या आप लिखिए फिजिकली, फिज़िकल अपीयरेंस लिखिए या फिज़िकल लुक लिखिए कि वो कैसे दिखता था. Ossible did not fit any description of a secret agent. He was very fat. He seems careless. He appears to be careless and casual. जो Ossible है वो एक सिगरेट एजेंट की तरह नहीं दिखता था. जैसे सिगरेट एजेंट होते हैं लंबा सा कोट पहनते हैं, हैट पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी Ossible ने नहीं किया. इवन वो बहुत मोटा था और बहुत लापरवाह भी नज़र आता था. हिज लैंग्वेज या हिज डिक्शन, आप लिखिएगा हिज लैंग्वेज या लिखना हिज डिक्शन. He spoke in both French and German language. वो जर्मन और फ्रेंच दोनों ही भाषा में बातें करता था. There was American accent in his language. और उसके बोलचाल में अमेरिकन टोन आती थी. अमेरिका की टोन उसकी बोलचाल की भाषा में झलकती थी. Very intelligent. Ossible was very intelligent. When he saw Max in his room, he made Max believe that there was a balcony outside his window. Using his presence of mind, he said that the knocking at the door must be of police. Max got confused and jumped out of the balcony. Thus, he used his mental power to get rid of Max. So, Ossible बहुत चालाक था. जब उसने Max को अपने कमरे में देखा तो उसने एक कहानी बनाई और Max को ये यकीन दिलाया कि उसकी खिड़की के बाहर एक बालकनी है. और जब दरवाजे में खटखटाहट हुई तो Ossible ने मैक्स को बताया कि ये पुलिस हो सकती है. जो मैक्स है वो कंफ्यूज हो गया और उसने विंडो के बाहर बालकनी पे जंप लगाया, लेकिन हकीकत में वहाँ कोई बालकनी नहीं थी और जो मैक्स है वो नीचे गिर गया और शायद उसकी मृत्यु हो चुकी होगी. नेक्स्ट लिखिए काम एंड कूल. Ossible वॉज वेरी काम सीक्रेट एजेंट. ही डिड नॉट गेट नर्वस व्हेन ही सॉ मैक्स विद पिस्टल इन हिज हैंड इन हिज रूम. He had a peaceful mind and remained cool in front of Max. Ossible जो है उसका जो स्वभाव था वो शांत था. जब उसने Max को अपने कमरे में देखा तो वो परेशान नहीं हुआ, जबकि Max के हाथ में एक पिस्टल थी. उसने शांति से उस सिचुएशन की हालत का सामना किया. Cheerful and quick decision maker. Ossible was jolly kind of person. मतलब Ossible एक खुश मिजाज व्यक्ति था. एट फर्स्ट ही सेड फाउलर यू हैड बीन डिसअपॉइंटेड बाई मीटिंग हिम. सबसे पहले उसने फाउलर को कहा कि शायद फाउलर उससे मिलके उदास हो गया. लेटर ही सेड बी चेयरफुल एज यू आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. बाद में उसने फाउलर को कहा खुश हो जाओ, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मैं दिखाने जा रहा हूँ. और पूरे समय जो Ossible है वो खुश मिजाज रहा, हंसता रहा, बातें करता रहा. और जो ये दुविधा की घड़ी थी जब Max उसके कमरे में था तो भी उसने जल्दी से डिसीज़न लिया, और जो डिसीज़न उसने लिया वो बिल्कुल ठीक था. सो आप एंड में इस प्रकार ब्लैक पेन से लिखिएगा. Ossible वॉज अ मैन ऑफ करेज एंड पीसफुल माइंड हु टुक राइट डिसीजंस विद एक्टिव माइंड एंड आउट विट मैक्स. आउट विट मैक्स. सो इस प्रकार आप Ossible का कैरेक्टर स्केच लिखिएगा स्टूडेंट्स. ये 5 points लिखिए, यू विल स्कोर वेरी वेल. सो आप ये 5 points ज़रूर लिखिएगा और ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा. एंड अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.